माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब जन। सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो आज हम बना रहे इडली का खीरा। तो आज की रेसिपी में हम दिखाएंगे आपको इडली का खीरा हम घर में कैसे बनाते हैं। तो आज हम आपसे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो चलते हमारे काम की तरफ। छोटी कटोरी एक पोहे ले लिए है और पोहे को भिजो दिया था दो तीन पानी से, मैंने वॉश कर लिया है। और ये चावल मैंने तीन कटोरी ली है और ये चावल को मैंने रात को ही भिजो दिए थे और ये भीज कर बहुत ही अच्छे से भीज चुके हैं और फूल भी चुके हैं। ये तीन कटोरी चावल है और एक कटोरी दाल है, उड़द की, वाइट उड़द की दाल है एक कटोरी। इसे भी हमने रात के टाइम ही भिजो दिया था और इसमें थोड़े से डाल दिए हमने मेथी दाना, ये भी अच्छे से भीज चुके हैं। और साथ में ले लिया है एक लोटा हमने। इसका सारा एक्स्ट्रा जो पानी है अभी हम इसमें निकाल देंगे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम ऐड करके इसको पीसेंगे। तो चलो हम पानी निकाल देते हैं। सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। तो मैंने मिक्स कर लिया है, दो तीन चम्मच डाल के हम मिक्सर के जार में फिर ये सब पीस लेंगे। और ये हम घर का जो बैटर होता है, थोड़ा सा ले लेंगे पानी। इडली का जो बैटर होता है जो घर में ही हम बनाते हैं, तो इडली बहुत ही अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है और अच्छे से फूलती भी है। जब बारिश का मौसम होता है तब धूप नहीं आती है, तो आप इसको पीस कर घर में भी आप इसका चम्मच से आप उसका फेंट लेते हैं इसको, तो मस्त बैटर तैयार हो जाता है। तो हम इसे पीस लेते हैं। हमारा बैटर तैयार हो गया है। किसी के अंदर आप ज़्यादा पानी डाल दो तो दूसरी बार आप पानी ना डालें। और ये कई दिन तक चलेगा, जैसे कि 5-6 दिन तो आराम से चलेंगे। तो ये आप देख सकते हो, मेरे तीन बार में ही मिक्सर के जार में तीन बार में ही मेरा पूरा बैटर बनकर रेडी है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है चावल दाल की, पोहे की। तो किसी किसी को क्या होता है कि टाइम नहीं होता है, किसी हाथ से बनता नहीं है, तो आप अच्छे से मेजरमेंट लेके, तीन कटोरी हमें चावल लेना है, एक कटोरी दाल लेनी है और थोड़ा सा पोया लेना है और मेथी दाना भिजोने में ही डाल देना है। बहुत ही अच्छा सा बैटर बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपका बैटर नहीं बन सकता, बस मेजरमेंट अच्छा होना चाहिए। और जब ठंडी होती है मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, कहीं कहीं धूप नहीं आती है, तो जैसे मैं अभी फेंट रही हूँ, अभी तो मेरे यहाँ पर धूप आ रखी है, पर जैसे कि आपके वहाँ नहीं आ रखी, तो जैसे अभी मैं फेंट रही हूँ उसी एक ही हाथ से एक ही साइड से आप फेंट सकते हो। और ऐसे फेंटने से आपका आथा भी आ जाता है और इडली भी बहुत ही सॉफ्ट और फूल के अच्छी बनती है। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए ही ये फेंट रही हूँ। अब इसको मैं रखूँगी धूप के अंदर। तो मैंने ले ली है एक परात, परात के अंदर रख देती हूँ मैं मेरी जो तपेली। और मैं ये इसलिए रख रही हूँ कि अभी बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, कुछ कह नहीं सकते, बारिश कब भी आ सकती है, तो हमारा आथा नहीं लगेगा। तो ये क्या जल्दी से गर्म हो जाता है, तो गर्म की वजह से ये आथा भी जल्दी आ जाता है। थोड़ी देर के लिए ये पतली वाली जाली ढकूँगी, फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन भी लगा दूँगी।
थोड़ा सा ये अंदर का बैटर हमारा जो है गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं एक थाली ढक दूंगी, उसके ऊपर कुछ वजन वाला रख दूंगी, तो उसकी वजह से आथा आ जाएगा। ये आप देख सकते हो मेरी सीढ़ियों में बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो मैं यहीं रख देती हूँ इसको। फ्रेंड्स, पूरे 4 घंटे मैंने इसको धूप में रखा है, तो ये हमारा आथा भी बहुत ही अच्छे से आ चुका है। तो मैं आपको दिखा सक, ये देखो आप, पूरा फूल गया है ऐसे, और खट्टी खट्टी जैसी खुशबू भी आ रही है। तो इसे अगर आपको जानना है कि भाई कैसे आथा आया है, तो ये आप देखो एकदम से फूला फूला। इसमें परपोटे हो गए ना, तो आपको पता चल जाएगा परपोटे से कि हाँ ये पूरा आथा अच्छे से आ चुका है, और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा ये, देखो कंप्लीट आथा आ गया है। गाढ़ा गाढ़ा नहीं है, आथा आएगा तो पतला हो जाएगा। तो ये हमारी छोटी छोटी होम रेमेडी आपको कैसी लगती है, और हमारी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप व्लॉग पे अगर नए हो तो आपका प्यार मुझे ज़रूर दिखाना, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।